केंद्र की मोदी सरकार वालों ये दिल्ली तख्त पर बैठे औरंगजेब की रूह वाले मोदी वालों किसान विरोधी कानून बनाए गए। उन्होंने तिना खेती विरोधी कानूनों रद्द कराने लई MSP पूरे भारत च लागू कानूनी तौर पर कराने वास्ते जो कि पंजाब के किसानों वालों शुरू किया हुआ संघर्ष आज पूरे देश दे विच पूरे जोबन ते है। दिल्ली के बार्डर के चार चपेरे बैठे हो जिमें कि सिंघू बार्डर, गाजीपुर बार्डर, टिकरी बार्डर आदि पर बैठे किसानों वालों लगातार इस संघर्ष को तेज करने वास्ते बहुत वधिया ढंग नाल व्यूहतबंदियां करके जिहड़ा उस नूं तेज करन दे उपराले किए जा रहे हैं। क्योंकि तुहानूं पता है 26 जनवरी नूं जो केंद्र सरकार वालों एक साजिश के तहत इस संघर्ष को फेल करने वास्ते एक षड्यंत्र रचा गया, उस तो बाद भी कई तरह के इन्होंने घिनौनियां कार्रवाइया करने की कोशिश की थी। लेकिन केंद्र सरकार वालों हुण तक सारियां साजिशां नूं किसान आगुआं वालों फेल किया गया, जिवें कि मेरे वालों फड़ के कई बंदे जिहड़े सी उह थाणे च बंद कराए गए शरारती अंसर, ते होर भी बहुत कुछ इन्हां दे मनसूबे जिहड़े सी उन्हां नूं फेल करन लई कीता गया। लेकिन हुण 6 मार्च नूं इस संघर्ष नूं तेज करन लई ते कुंभकर्णी नींद सुती हुई मोदी सरकार नूं जगाउण लई 11 बजे तो 6 मार्च नूं 11 बजे तो लैके शाम नूं 4 बजे तक 5 घंटे KMP रोड जो कि दिल्ली के चार चपेरे इनू असी जड़ा वो बाईपास भी कह लें जड़ा कि 400 किलोमीटर तो वध लंबाई विच है, ये जाम लाने वास्ते जड़ा वो काल दिती गई है। और इस कामयाब करने लई मैं समुचे नौजवानों नूं अपील करदा कि नौजवानों आओ गज वज के इस संघर्ष नूं होर तेज करने वास्ते अते केंद्र सरकार नूं ये दसन वास्ते कि जिहड़ा खास करके पंजाब दा नौजवान ते हरियाणे दा जिहड़ा रल के बहुत कुछ कर रहा है इस संघर्ष नूं जिवें इन्हां ने 26 नवंबर नूं लगे हुए बैरीकेटा नूं तोड़ के इत्थे दिल्ली दे चार चपेरे आ के धरने गड्ड दित्ते सन, 26 जनवरी तो बाद कई तरह दीआं घटनावां वापरन दे कारण जिहड़ा सी ओह नौजवानां दे विच कुछ थोड़ी जिहा इस चीज़ नूं वेखण नूं इह मिलिया कि नौजवान जिहड़ा ओह पिछे हट रिहा। लेकिन मैं ये कहना चाहवांगा कि यह सिर्फ खबरां ही सन, जदों कि नौजवान जिहड़ा है वह पूरे जोशो खरोश दे नाल अज भी संयुक्त मोर्चे दे नाल खलोता है, जिस करके मैं नौजवानों नूं खास करके अपील कर रहा कि वह 6 मार्च के इस KMP रोड नूं रोकण वास्ते वध तो वध हिस्सा पाउण। कई तरह के भरम भुलेखे पाए जा रहे हैं कि नौजवानों के जेकर किसी किस्म के कोई उन्होंने खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जिहड़े किसान ने कि उन्होंने पिछे खलोणगे, ये मेरे ते मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि 26 फरवरी नूं मैं अमृतसर तो दिल्ली नूं आ रहा सी, किसी काम कारण करके मैनूं अमृतसर जाना पिया ते वापसी विच शंभू बैरीअर ते रात नूं मैं करीब 9 बजे उत्थे पहुँचा ते शंभू बैरीअर ते चल रहे लंगर ते जदों मैं नौजवानों नूं मिलिया 150 दे करीब रात नूं नौजवान उत्थे अपनी ड्यूटी दे रहे सन। और उन्हां नौजवानों नूं मिल के मैनूं इन्नी कु खुशी होई कि मैं दस नहीं सकदा। उन्हां नौजवानों दे हौसले बहुत बुलंद सन, पर एक उन्हां नौजवानों ने मेरे ते इतराज सवालिया रूप दे विच इतराज भी किया। वो कहन लगे जी असी जदों नौजवान तुहाडे नाल आ ते तुहाडे उत्थों स्टेज दे उत्तों कुछ गल्लां नौजवानों के खिलाफ जदों आउंदियां ने ते सानूं इस चीज़ का बहुत जिहड़ा वो इतराज हुंदा साडे मन ते ठेस लगदी आ। ते उन्हां ने मैनूं पुछिया भई की जेकर नौजवानों के उत्ते कोई किसी किस्म का
सरकार वालों कोई जुल्म ढाया जाता जां सानू फड़ के थाने च बंद किया जाता साढ़े ते केस पाए जाते हैं तो की तुसी साड़ी जिहड़ी आ पैरवाई करोगे। मैं कहा भी नौजवानों तुसी एक गल दसो भी असी पिछे नहीं कर रहे, असी नौजवानों तुहाडे नाल आ। उन्हां दे विच ओह नौजवान सन जिन्हां ने 26 नवंबर नूं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी दे नाल रल के जिहड़े सी ओह बैरीकेड तोड़न विच बहुत वड्डा योगदान पाया सी। सो उन्होंने सारे अपने हालात दे विच पिछले किते कम्मां तों मैनूं जाणू भी करवाया अते उन्हां दा यही मन दे विच सवाल सी। इस तरह साडी अजनाले दे विच 24 तरीक रात नूं मीटिंग चल रही सी, उस मीटिंग दे विच भी नौजवानों ने सवाल किए कि तुहाडे उत्थों जिहड़ी सिंघू बैरीअर दे उत्ते जिहड़ी स्टेज चलती है उन्हां स्टेजां दे तों कई तरह के जिहड़े ने उत्थों लैक्चर दिते जांदे ने जिन्हां दे नाल साडे जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे मापे जिहड़े ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਦਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਠੇਸ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
अज पूरे संसार की निगाह जी उस इस संघर्ष के उत्ते लगी हुई है। मेरी हुणे ही गलबात चल रही सी किसी चैनल के उत्ते ता उत्थे जिहड़े कॉलर सन उन्हां वीरां ने इस चीज़ के उत्ते सानू मेरे नाल गल करदिआं कहा कि तुसीं तगड़े होवो, इस संघर्ष जितना है ते असीं जित के घरां नूं जाणा, असीं तुहाडे नाल आ। पूरे संसार के लोग जिहड़े मनुखता की गल करन वाले ने वह तुहाडे नाल ने। सो नौजवानों, मैं तुहानूं अपील करदा कि तुसीं जल्दी तो जल्दी अपने गुस्से गिले दूर करके आओ। जे किसी भी किस्म की तुहानूं कोई मुश्किल आउंदी है तो तुसीं मेरे नाल गल कर सकदे हो। मैं तुहाडे नाल इक वादा करदा कि किसी भी किस्म की तुहाडे शान के खिलाफ कोई शब्दों की वरतों करदा तो मैं जिम्मेवार हाँ, तुहाडे नाल खलोवांगा। तगड़े होवो, आओ आपां इस संघर्ष जितना। जेकर असी इस संघर्ष जित ना सके तो फिर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नसलां ये सानू कदे भी माफ नहीं करनगियां। ये बड़ा वड्डा एक इतिहास बन रहा। इस इतिहास के विच जो जो कोई काम कर रहा उहदा नाम लिखिया जाना है। ये वक्री गल है कि बीजेपी जां उहदे चेले चपटे, उहदे तले चट हरजीत सिंह गरेवाल वर्गे, जां जैनी वर्गे, जां होर लोग जिहड़े नरेंद्र सिंह तोमर वर्गे, जां होर जिन्ने भी लोग उहनां दे अज बीजेपी दी गुणगान गा रहे ने, ये लोगों का भी नाम इतिहास आउणा है। जिवें कि गंगू का नाम भी इतिहास आउंदा है। तो दूसरे पासे जिन्हां लोगों ने माया दे के मोहरां खड़ियां करके साहबजादियां दा जिहड़ा सी वो संस्कार किया, माता गुजर कौर का संस्कार किया, इतिहास विच ना उन्हां दा भी, इतिहास विच ना जिहड़े मलेरकोटला दे नवाब ने हा दा नारा मारिया सी उहदा भी ना है। तो उत्थे सूबे सरहंद का नाम ही है, पर नाम लैण च फर्क है। उहदा नाम किवें लिया जाना है? तो जिहड़े ये लोग हा दा नारा मारन वाले सी उहनां नूं अज भी पूजिया जा रहा है। सो नौजवानों, जे किते साडे कोलों कोई कुताइयां हो रही ने, ना साडा भी वो जिनी जिनी असी गलती करांगे ना उस हिसाब दे विच वो लैणा साडे खिलाफ भी लिखिया जाणियां ने। तो जिहड़ा नौजवानों तुसी कम कर रहे हो, जिस तरह के नवरीत सिंह जिहड़ा शहीद होया 26 जनवरी नूं, ना उहदा भी लिखिया जाणा है अते ना पुलिस का भी इनकुआरियां होणगियां अते उन्हां पुलिस अफसरां दे भी ना आउणे ने। पर असल कातल नवरीत का अमित शाह ते मोदी है, जिन्हां ने ये खेती विरोधी कानून बनाए, जिन्हां दी शह ते ये सारा कुछ पुलिस वालों किया गया। साडे सिंघां ते गोलियां चलियां, शहीद किए गए, उन्हां नूं फटड़ किया गया, उन्हां दे परचे करके उन्हां नूं जेलां च बंद किया गया, ये जबर ते जुल्म ढाया जा रहा। सो ना उन्हां दा भी लिखिया जाणा है, ते ना इत्थे नवदीप सिंह वर्गे जिन्हां ने जिहड़ियां उन्हां दीआं जल तोपां सन उन्हां दे मूँह मुड़े, ना इत्थे नवदीप सिंह वर्गियां दा भी लिखिया जाणा। सो आओ तगड़े हो के, नवदीप जी तगड़े होवो, आओ अपने साथियों नूं ला लो। मैं समुचे तौर पर सारे नौजवानों नूं अपील करदा पे आओ भाई तगड़े हो के इस संघर्ष दे विच अपना अपना योगदान पाओ। ते तुहाडे नाल इक वादा है पे किसे किस्म दी कोई तुहानूं कोई माड़ी शब्दावली बोले तां बलदेव सिंह सरसा तुहाडे अगे हो के खलो के असी हर बंदे नूं जिहड़ा उहदा उसे ही ढंग नाल जिहड़ा उह जवाब देवांगे तुहाडे नाल अगे हो के जिहड़ा खड़ांगे। पर 6 मार्च दे प्रोग्राम नूं तगड़े हो के रोल करो अते 8 मार्च नूं बीबियां नूं बेनती है, अपील है अपनियां बच्चियां नूं, अपनियां भैणां नूं, अपनियां धीआं नूं कि वध तों वध 8 मार्च नूं सारियां जिहड़ियां स्टेजां चल रहियां उहनां 'च योगदान पाओ। जिथे जिथे धरने चल रहे ने
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀਕੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਸੁਖਣੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਸੁਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ